नगर सेवक हूँ, ये जहां जहां का चीजें बताई गई है, ये जिस जमीन का पूछो ये जमीन हो गई है क्या, कितने साल में आएगी, कब आएगी, क्या मालूम, ये आप ही से चांद दिखा रहे। तो 3 साल में आपने अपने वार्ड में किस तरह का गंगा बहाया है, विकास की गंगा किस तरह से बहाया है? मतलब सामने आप जो है विरोध करते हैं और अंदर से आप मीटिंग करके दोस्ती को मतलब निभाते हैं शहर में। अगर वो लाना चाहते हैं, अगर वो लाना चाहते हैं टोरेंट, तो फिर समीम खान ने लाशों पर से गुजरने की क्यों बात किया? अरे नगर सेवक जो नया लाने का था लाया, 25 साल से नाले नहीं बने थे मैंने बनाया। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जैसा कि आप जानते हैं हर संडे को प्रहार टाइम स्टूडियो में एक नए चेहरे आपके सामने होते हैं, आमने सामने में। और आज हमारे साथ शाह आलम आजमी जो नगर सेवक हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। उनको मुमरा कलवा को लेकर क्या अनुभव है और पहली बार नगर सेवक बने और आमदार की भी दावे कर रहे हैं, इनकी दावे कितनी सफल होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सालम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे आप स्टूडियो में मौजूद हैं। पहली बार चुनाव लड़ा, उसमें आप चुनाव जीत गए, और ऐसे में कलवा मुमरा का क्या अनुभव है आपको? शुक्रिया आपको मुझे आपके स्टूडियो में बुलाने का और मेरी बात रखने का, बहुत आपका शुक्रिया है। और जो आपने सवाल किया कि कलवा मुमरा में जो आपके सफल उसके क्या तजुर्बा है, अनुभव है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो अल्लाह ताला, मैंने पहली बार इलेक्शन लड़ा और पहली बार ही जीता। अब जीतने के बाद आप ये देख लीजिए कि जो एक नगर सेवक का काम होता है, मैं पूरे तरीके से अपने वार्ड से लेके अपने पूरे पैनल में काम करता हूँ, और इसके बारे में आप जाके पता कर सकते हो पूरे वार्ड के अंदर कि शाह आलम आजमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसकी वजह से मैंने अपनी पार्टी से मतलब फॉर्म भरा हूँ आमदार का। तो आमदार का आपने फॉर्म भरा है और उसमें कई लोगों ने फॉर्म भरा है आपके साथ साथ, तो क्या लगता है कि आपको टिकट मिलेगी? देखिए ये तो काम हमारे हाई कमान का है, असदुद्दीन अवैसी साहब है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब है, शाकिर पटनी साहब है, इम्तियाज जलील साहब है, तो ये हमारी पार्टी है। पार्टी हमारी जिसे अच्छा समझेगी, कैपेबल समझेगी, पार्टी का कैंडिडेट जो लोगों का काम करने वाला रहे, पार्टी उसको टिकट देगी। अभी आपने कहा कि मैंने काम किया हूँ, मेरे वार्ड में जाकर चेक कर लें, तो क्या ऐसा काम किया है आपने? सूरज भाई मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि नगर सेवक का जो काम होता है, हर वो काम मैंने किया जो मेरे इलाके में नहीं था। मुझसे 2.5 साल पहले NCP के ही नगर सेवक थे, आप जाके देख सकते हो, मेरे इलाके में पहाड़ पे रास्ता नहीं था, मैंने पहाड़ पे रास्ता बनाया, लाइट के खंभे लगाए, सिल फाटे में मैंने किया, अभी ग्रीन पार्क में मैंने 8 दिन पहले एक ओपनिंग किया 1 करोड़ रुपए की रोड की। अपोजिशन पार्टियां कहती हैं कि MIM सिर्फ व्हाट्सएप पर है, जमीन पर नहीं है। अपोजिशन पार्टी अगर ये कह रही है कि व्हाट्सएप पे जमीन पे नहीं, तो जमीन पे उनकी पार्टी का नगर सेवक है, MIM जमीन पे भी है, और सोशल मीडिया का दौर चल रहा है तो सोशल मीडिया पे भी रहना जरूरी है। जब जमीन पर है MIM तो MIM को काम करना चाहिए, विकास करना चाहिए। MIM का यहाँ आमदार है, MIM का आमदार है, MIM के 2 नगर सेवक है, 18 नगर सेवक तो इन्हीं के है ना, तो अपोजिट जो हमारी MIM पार्टी, तो हम तो उनको पूछेंगे ना विकास के बारे में, हम उनसे ही तो सवाल करेंगे ना, MIM से कैसे सवाल हो सकता है, MIM का MLA है। आप इस तरह से कह रहे हैं, अरफात ओवैसी जो हैदराबाद से आए थे मुमरा में, उन्होंने बड़ी बड़ी दावा किया था, उन्होंने कहा था 1 रुपये में 20 लीटर पानी मिलेगा, वो ऐसा प्लान डालने वाले थे, डाले क्या? जो वादा किए थे वही नहीं कर पाए, आप कह रहे हैं जो जमीन पर है। देखिए फिरोज भाई, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का बजट नहीं ला रहे थे अराफात अवैसी साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, सुनिए ना, ये हमारी पार्टी से असद भाई की तरफ से एक तोहफा था गरीबों के लिए, और वो आएगा। मैंने खुद दो पहला वादा किया था, पहला वादा किया था अरफात ओवैसी साहब ने, वो तक नहीं ला पाए, रुपए में 20 लीटर पानी देने वाले थे मुमरा को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ना, लेकिन ये किसी गवर्नमेंट का बजट नहीं ला रहे थे, असदुद्दीन अवैसी साहब खुद अपने पास से दे रहे थे, और आएगा इंशाल्लाह। कब आएगा? मैंने 2 बोरिंग मारा था, 3 साल का कार्यकाल गुजर चुका है नगर सेवक का, 3 साल का कार्यकाल गुजर चुका है, कब आएगा? अब ये प्लांट लगाने का कहां लगाएंगे, जब बोरिंग हमारी खुद की रहे, जगह हमारी रहे, तो मैं जिस जगह लगाया था उस जगह की बोरिंग हो गई फेल, तो खाली बोलने का, नहीं गया सिर्फ बोलने का, नहीं, तो अरे बोल के चले जाने का, जो वोट लेने का बोल के चले जाने का, नहीं, अब आप कहेंगे कि जगह नहीं थी, अब आप कह रहे हैं जगह नहीं है, उन्होंने फिर कैसा कहा,
उन्होंने पहला जगह तलाशा फिरोज भाई, हमने सरकार का बजट लाने का वादा किया था। हमारे शहर के अंदर जो इतने आमदार है, नगर सेवक है, इनको क्या, ये क्या कर रहे हैं? नगर सेवक का कार्यकाल आपका 3 साल गुजर चुका है, कब आएगी? मतलब ये तो मैं अपने कार्यकाल में अपने पैनल के ही अंदर 2 जगह बोरिंग हमने मारा था। यहाँ बोरिंग की बात नहीं थी, यहाँ पर बात थी 1 रुपए में 20 लीटर पानी मिलेगा और वो भी प्लांट डाला जाएगा। एमआईएम ने जो वादा किया था ना, जो जबान दी, वो उस पर पूरा कायम है। हम झूठा काम करते नहीं, हम उसी पानी को प्योरीफाई करके देने वाले थे। इसी वजह से जब हमने बोरिंग मांगा, आप जाके देख सकते हो, बोरिंग मतलब बता बोरिंग दूंगा। का पानी मुमरावासी को पिलाएंगे, बोरिंग तो प्योरीफाई उसी को बोलते हैं ना, बोरिंग का ही पानी को फिल्टर करके देंगे ना 1 रुपया लीटर। आज आप बताइए, आप ये प्लांट कब डालेंगे? लोगों को 1 रुपए में 20 लीटर पानी कब मिलेगा, आप बताइए? बिल्कुल, लोग तो 10 साल में पूरा नहीं किए जबान दे के। हम तो 3 साल अभी हुआ, 3.5 साल हुआ, उसके बीच में हमने इसकी प्रयास किए, हमने उसकी कोशिश की, 2 बोरिंग फेल। इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन खत्म होने इसी बीच में हम करके देंगे। मुमरा कौसा में आप एमआईएम पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, थोड़ी सी हर घर में थोड़ी सी नाराजगी होती है, और वो आपने देखा होगा कि हमारे जो 9 इच्छुक उम्मीदवार थे एक साथ में थे, और इंशाल्लाह इलेक्शन पूरी मजबूती से सारे लोग मिल के लड़ेंगे। शाहआलम अलग नहीं जाएगा, और सैफ पठान अलग नहीं जाएगा, अमृत नगर अलग नहीं, एक ही मुद्दे, एक ही साथ में एमआईएम लड़ेगी पूरी ताकत से। एमआईएम मुमरा में इलेक्शन लड़ने वाले इंशाल्लाह ताला। एमआईएम का मुद्दा क्या होगा? विधानसभा में जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर होता है उसमें एक आप भी हैं, आपने भी फॉर्म भरा हुआ है, टिकट की मांग किया है। अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलता, किसी और को मिलता है, लेकिन फिलहाल मुद्दा एमआईएम का क्या होगा? देखिए, सब मुमरा शहर एमआईएम, मुमरा शहर की जो बेसिक जरूरत है ना, उसके ऊपर इलेक्शन लड़ेगी, उस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेगी। सबसे बड़ा मुद्दा हम तो ये रखेंगे कि सेलेक्टर हाउस बनाया जाए, ताकि उससे रोजी रोजगार मिलेगा। गर्ल्स हॉस्टल जहाँ पे था वहाँ हम गर्ल्स कॉलेज की मांग कर रहे हैं। हम अगर हमारे एमआईएम को इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने कामयाबी दी, तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य ये 2 काम सबसे पहले होगा, जो शहर के अंदर रोजगार के लिए सेलेक्टर हाउस लाया जाए, और बच्चों के पढ़ने के लिए तालीम जो दूर बंबई जाते हैं, गर्ल्स हॉस्टल की जगह हम गर्ल्स कॉलेज को बनाएंगे। तो 3 साल में आपने अपने वार्ड में किस तरह का गंगा बहाया है, विकास की गंगा किस तरह से बहाया है? चलिए, आप खुद देख लीजिए मेरे वार्ड में, पूरे पैनल में, सिर्फ मेरे वार्ड का नहीं कह रहा हूँ, पूरा पैनल वार्ड का मतलब 33D से शुरू करो, अलमास कॉलोनी से और सिल फाटा तक जाके आइए, और वहाँ पता कीजिए कि शाहआलम आजमी ने क्या क्या काम किया है। ये पेपर पे काम नहीं है, जमीन पे काम दिखेगा आपको। पैनल की आप बात कर रहे हैं, उसमें 4 नगर सेवक हैं, सिर्फ आप ही अकेले नहीं हो, तो उनके विकास का काम आप क्यों गिनाएंगे? तो उनके विकास का नहीं, जो शाहआलम आजमी ने किया, मैं क्या कह रहा हूँ कि शाहआलम आजमी ने जो काम किया, शाहआलम आजमी ने जो ओपनिंग किया, शाहआलम आजमी ने जो मांगनी की लेटर, वो तो मेरा बताएगा कि दूसरे का बताएगा? आप जो है एमआईएम पार्टी से नगर सेवक हैं, पहला। दूसरी बात ये है कि आप जो है एनसीपी के नगर सेवकों के साथ अक्सर देखे जाते हैं मीटिंगों में या और भी कहीं, अक्सर देखे जाते हैं, क्यों देखे जाते हैं, इसकी वजह क्या है कि उनके साथ आप अक्सर मीटिंग करते रहते हैं? फिरोज भाई, एक बात बताऊं मैं आपको, मुमरा शहर कितना किलोमीटर का है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का। मैं 32 साल से रह रहा हूँ मुमरा में। कब से? 32 साल से मैं इस शहर के अंदर रह रहा हूँ, और मैं क्रिकेट खेलता था तो हर किसी से मेरी दोस्ती थी, जान पहचान है, दोस्ती। जफर नुमानी, टारगेट देखिए सीधा सीधा, जफर नुमानी के साथ में मैं दिखता हूँ। जफर नुमानी की पार्टी का जो अपना इंटरनल प्रॉब्लम या जो भी मीटिंग रहती, मैं कभी वहाँ नहीं जाता। हम दोनों थाना महानगर पालिका एक साथ जाते हैं, जाना सब नगर सेवक को मुमरा के वहीं पे थाना महानगर पालिका में, तो मेरे उससे अच्छे रिश्ते हैं, मेरे पहले से वहाँ मेरा रिश्ता उसके घर, उसके उसमें है, खानदान में। तो आप जब नगर सेवक बने तो हम दोनों साथ में थाना महानगर पालिका जाते, उनकी पार्टी का जो स्टैंड रहता है वो अपना करते, मेरी पार्टी का जो स्टैंड रहता मैं अपना करता हूँ। मतलब सामने आप जो है विरोध करते हैं और अंदर से आप मीटिंग करके दोस्ती को मतलब निभाते हैं? ना ना ना, कोई मीटिंग नहीं, पार्टी की कोई मीटिंग ना, वो हमसे करते ना हम उनसे करते। क्या भरोसा है कि पार्टी की मीटिंग नहीं करते? आज एक भी, आज 3 साल में एक भी प्रूफ कीजिए आप। मैं अपना डिसीजन लेता हूँ, मैं किसी से इस मैटर में मैं किसी से मशवरा नहीं करता हूँ, मेरे काम का डिसीजन मैं खुद करता हूँ अकेला। जनता, जो आम जनता, वो क्या भरोसा करेगी कि आप विकास करेंगे, जो मुमरा वासी आपको वोट देंगे? देखिए, अगर लोग वाकई सच्चाई पसंद करते हैं
तो मेरे वार्ड से मेरे काम को देखेंगे। आज 3 साल होने आ गया, मेरा कोई गॉडफादर है? मैं खुद अपना बजट लाता हूँ, मैं खुद लोगों का काम करता हूँ, क्यों नहीं दे रहा? सालम भाई, मान लीजिए आपको जो है टिकट मिल जाता है विधानसभा की, तो उसके लिए आपके पास तैयारी क्या है? देखिए ऐसा है कि अभी तो वो डिसीजन पार्टी का है, अगर पार्टी टिकट देती है, मुझे दे दिया किसी को भी, तो अब इलेक्शन का 1 महीना मिला, हम अपनी पूरी ताकत पूरी मेहनत लगा देंगे इलेक्शन के अंदर। सालम भाई, आप जो है हमेशा आरोप लगाते हैं, कभी कब्रस्तान पर आप जो है ऑब्जेक्शन लेते हैं, कभी स्लॉटर हाउस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं, तो क्या है पूरा हकीकत, क्यों ऐसा ऑब्जेक्शन आप हर काम में लेते हैं? फिरोज भाई देखिए, ये मैं लेके आया हूँ पूरा मुद्दा, जो विकास का नदी बही है उसकी, वो लेके आया हूँ मैं आपके पास। इतने इतने खूबसूरत जो इमारतें दिखाई गई है, कहाँ है? मतलब ये सब जो सारी चीजें जो इसमें छपी हुई हैं, ये सब है ही नहीं मुमरा। आप देखिए ना जाके शहर के अंदर कहाँ पे बना हुआ है ऐसी इमारत, कहीं है? कहीं पे है ये? कहीं पे है प्रभाग समिति? आप देखिए ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप तो देख सकते हो ना, शहर में पत्रकार है आप एक बार जाइए पहले देखिए तो सही कहाँ है। मैं तो नगर सेवक हूँ, ये जहाँ जहाँ का चीजें बताई गई है, ये जिस जमीन का पूछो ये जमीन हो गई क्या, कितने साल में आएगी, कब आएगी, क्या मालूम है? आप ही से चांद दिखा रहे, सेलेटर हाउस और कब्रस्तान जब यूडी ने पास किया था वही जगह बना देते तो हम मान लेते ना कि हाँ शहर का विकास हुआ है। आप इंशाल्लाह अगर मुमरा के लोग मौका देंगे, MIM के MLA बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह जरूर देखोगे आपके विकास होगा या नहीं होगा। वही दावे तुम्हारे भी खोखले नहीं, कोई खोखले नहीं इंशाल्लाह। अगर मैं जिस तरह से सभी के मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ शहर के लोगों से कि अगर MIM के नगर MLA आया इंशाल्लाह ताला और विकास वो नहीं किए, मुमरा शहर के लोगों की जो मेन सुविधाएं, जो जरूरत की सारी चीज, अगर उस पर काम नहीं किए, मैं कहता हूँ आज कहता हूँ कि आने वाले दूसरे 5 साल में आप MIM को वोट मत देना। फिर उसके बाद आप भी बोलेंगे कि इस बार दे दो, नहीं अगली हम बार बताएंगे ना, 5 साल में बताएंगे ना आपको आके कि हमने ये 5 साल में अगर हमारा MLA चुन गया तो क्या काम किया, हम जरूर बताएंगे। अध्यक्ष कौन है, आमदार कौन है शहर में? अगर वो लाना चाहते हैं टोरेंट, तो फिर समीम खान ने लाशों पर से गुजरने की क्यों बात? अब वो समीम खान से आप पूछिए, समीम खान से ये जवाब तो समीम खान को देना पड़ेगा ना कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आ चुका है, उनके आमदार साहब को मालूम नहीं, इनको मालूम नहीं। अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं आया होता तो ये टोरेंट का केबल कैसे आ रहा है आप बताइए? प्राइवेटाइजेशन के MSEB चल रही है, प्राइवेटाइजेशन कचरा चल रहा, स्टेडियम प्राइवेटाइजेशन ये गया, हॉस्पिटल अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो मैं ये आपके सामने चैनल से पूरे शहर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं प्राइवेटाइजेशन, मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं प्राइवेटाइजेशन हॉस्पिटल को होने नहीं दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ फिरोज भाई, आप ये बताइए सरकार में कौन है? सरकार मेरे जो अरे MIM के जो लोग हैं तो ये बात बता रहे ना शहर को, सोशल मीडिया में ये बता रहे ना कहाँ पे हुआ ये विकास, वो तो बोलते कि यही कह रहे ना आप, कह रहे सरकार में, वो तो कहते विपक्ष में हूँ मैं। अच्छा विकास मेरे सारे काम आज विपक्ष में है ना, 5 साल पहले यही थे ना सरकार में, क्यों नहीं पानी की समस्या को दूर किए? लेकिन आपने नया क्या लाए, आपने नया क्या लाया? अरे नगर सेवक जो नया लाने का था लाया, 25 साल से नाले नहीं बने थे मैंने बनाया, ग्रीन पार्क में आज तक नाला नहीं बनाया मैंने, यूटी से मांग की लाया उसका। आप अपने वार्ड की बात करें लेकिन मुमरा शहर में चाहिए, मुमरा शहर में जो शहर की बात थी जो थाना महानगर पालिका में थी उसको मैंने आवाज को उठाया, स्कूल की बात थी मैंने उठाया, मुमरा शहर की उर्दू की स्कूलों की हालत आप उठा के देख लो क्या हालत है स्कूलों की, कुछ हुआ नहीं हुआ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस दिन अल्लाह ताला मुझे ये ताकत देगा आप देखोगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कि 5 साल पहले इनकी सरकार थी या नहीं थी, तब क्यों नहीं किए इन्होंने पानी के मसले का हल, क्यों नहीं कर दिए? आज आप चिल्ला रहे हो जब सत्ता में नहीं हो, जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं किया? और हम तो आज सत्ता में नहीं, हम तो 2 ही नगर चुके फिर भी हम लोग टक्कर ले रहे, काम कर रहे, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कर रहे, हमारी राजनीति ही रहेगी विकास की और दलित और मुसलमानों की, उनके हित की। जो एक विधायक का बजट होता है वो बजट कौन सा इन्होंने लगाया, बड़ा बजट उन्होंने कहीं भी नहीं लगाया, आप बताइए बड़ा बजट कौन सा, बड़ा काम कौन सा हुआ बताइए आप? महानगर पालिका का बजट जहाँ पे भी आप देखोगे सब थाना महानगर पालिका का बजट लगा हुआ है, जो MGATE बना है ना ये भी माइनॉरिटी का फंड और थाना महानगर पालिका का फंड है वो। तो ये थे नगर सेवक शाह आलम आज भी जो अपने बात को राय को आमने सामने में रख रहे थे, और इसी के साथ
समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।